दादा आज पहली बार आप हम लोगों के दुकान पे आए हैं एम्बिएंट लाइट लगवाने। दादा आज आपके लिए एम्बिएंट लाइटिंग जो हम लोग ला रहे हैं वो विथ 1 ईयर वारंटी, वो भी रिप्लेसमेंट के साथ, रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, जेड प्लस सीरीज का वॉइस कमांड के साथ। आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो भी एंड्रॉइड के साथ, वो 6000 से लेके 30000 तक है। हम लोग 5-6 वैरायटी का म्यूजिक सिस्टम रखते हैं, जैसे कि जीवा जो दादा आपका गाड़ी में फिटिंग किया हुआ है, ब्लॉकॉन्क का टॉप सीरीज है, उडटेक है, ड्राइविन है, मेगासोनिक है, क्रॉसलिंग व्हील्स, उसके अलावा LM-Tech है, मेगासोनिक है, हाइपरसोनिक भी है। दादा आपका गाड़ी का जो एम्बिएंट लाइट है वो जो प्रोसेस है फिटिंग करने का वो शुरू हो चुका है। हम लोग का जो टेक्नीशियन है आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डोर पैड है वो सब खुला हुआ है, काम जो है प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। दादा मेरे पास LED का वैरायटी, बहुत सारे वैरायटीज हैं, बहुत सारे ब्रांड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सलिंग कंपनी आज के डेट में टॉप है, ब्लू पंक कंपनी। अब किसी भी ब्रांड में आपको LED अगर लेना है तो आप मेरे पास आइए, सही प्राइस पे और सही रेट पे आपको मिलेगा। आपको अगर स्पीकर्स गाड़ी में लगाना हो, साउंड अच्छा करना हो तो आप आइए हारमन ब्रांड में। हारमन में आपको आ जाता है इन्फिनिटी, JBL, इसे बहुत सारे सीरीज है जो आप इसको अपडेट करने से आपका साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाएगा और प्राइस भी काफी रिजनेबल है। आपको अगर कार में सीट कवर लगाना हो तो आप डॉल्फिन ब्रांड चूज कर सकते हो। डॉल्फिन ब्रांड बहुत ही बेस्ट सीट कवर है जिसका लॉन्गजिविटी 15 ईयर्स है, प्लस ये बैठने में काफी आरामदायक है और कोई भी स्वेटिंग नहीं होगा, प्राइस भी काफी रिजनेबल है। सो हे एवरीवन, सबाई केमन आछेन? भालो, मैं हूं सबुज। आशा करता हूं हर कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग आज लेके मैं आया हूं। आज होगा थोड़ा एक्सेसरीज, कार एक्सेसरीज के ऊपर। मैं खुद अपना गाड़ी पे कुछ एक्सेसरीज लगाऊंगा, फिट करूंगा, जैसे कि डैश कैम, कार का डैश कैम, उसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग है, कुछ क्रोम का काम करूंगा और भी कुछ छोटा एक्सेसरीज लगाऊंगा। तो आज मैं आ चुका हूं ऑटो प्रो पे। ऑटो प्रो कहाँ पे है? एकदम हार्ट ऑफ साउथ कोलकाता, साउथ सिटी मॉल या जादवपुर थाना से 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनोज गुप्ता जी। गुप्ता जी कैसे है? बढ़िया। मैंने गुप्ता जी से 1 साल से प्लानिंग हो रहा था, पहले मेरा i20 था, सभी को पता है, उसमें भी मैं कुछ काम दिखाया था। सबसे बड़ी बात है एम्बिएंट लाइटिंग पे मैं ढूंढ रहा था कि कोई ब्रांड ऐसा मिले कि जहाँ पे 1 साल का वारंटी तो एटलीस्ट मिले। मैं जहाँ पे भी गया हो नो वारंटी, एम्बिएंट लाइटिंग पे कोई वारंटी देता नहीं है। बट गुप्ता जी मुझे बोला इनके पास एक ब्रांड है जहां पे 1 साल का वारंटी आएगा, तो ये ब्रांड का मैं आज लगाऊंगा। 7/70 माई का डैश कैम लगाऊंगा, डुअल डैश कैम है दोस्तों। सबसे पहले आपका एड्रेस? ये एड्रेस मेरा है अभिषिक्ता रोड से जादवपुर जो थाना का तरफ जाता है, बाईपास का जो अभिषिक्ता है जो अनवर शाह रोड कनेक्टर है उसी रास्ते में 15 नंबर कालिकापुर रोड। ऑटो प्रो, मैं गूगल मैप भी लोकेशन दे दूंगा, फोन नंबर दिया हुआ होगा, फोन करके आप एड्रेस समझ सकते हो। तो गुप्ता जी सब कुछ रखते हो? सब कुछ कार एक्सेसरीज में, एकदम न्यू वैरायटीज A to Z, प्लस मेरा कलकत्ता में रेट और प्राइस प्लस क्वालिटी आप कहीं भी वेरीफाई कर लो। देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, इतना दुकान छोड़ छाड़ के मैं आपके पास आया हूँ, तो समझे सबुज भाई ऐसा आदमी अगर मेरे काउंटर पे आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऑटो प्रो में बात होगा। यस, जो लोग पहले मेरा ब्लॉग देख चुके हो, मेरा जो i20 था पहले, उसमें भी मैं जो भी काम किया हूँ सब दिखाया हूँ, राइट। तो आज अभी मेरा किया सोनेट है, किया सोनेट में भी जो भी काम होगा, ऐसा नहीं है कि मैं आता हूँ झूठा तारीफ करके निकल जाता हूँ, नहीं, काम भी होगा मेरा गाड़ी के ऊपर ही होगा। सबुजा मतलब अगर अपना खुद का कार में अगर करवा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि सबुजा खुद का ही मतलब गेनर आदमी है, तो ऐसे काउंटर पे आएंगे जहाँ पे सही रेट पे सही माल मिलता हो। एकदम। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्लिम्सेस दिखाएंगे कि क्या क्या चीज अवेलेबल है, उसका प्राइसिंग क्या है, क्या क्या वराइटीज है।
तो एक एक करके शुरू किया जाए। जरूर, जैसे क्या सीट कवर, जितने भी कार आते हैं आज के डेट में सीट कवर सबसे मस्त है कि गाड़ी में सीट कवर लगाना ही लगाना। अगर कस्टमर को अच्छा सीट कवर अगर लगाना हो तो हम तो वो प्रेयर करेंगे कि आप डॉल्फिन ब्रांड में जाइए। कितना साल का वारंटी है? एक कंपनी 3 इयर्स देता है, इसका लॉन्जिविटी 15 इयर्स है। 15 साल माने कुछ नहीं होगा, कुछ भी, कोई रिंकल नहीं होगा, कोई स्वेटिंग नहीं होगा, प्रॉपर फिटिंग्स आएगा। देखिए मेन डैमेज होता है, मैं देखा हूँ ड्राइवर सीट, इसमें ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये डॉल्फिन ब्रांड ऐसा है जो आज के डेट में सबसे टॉप सीट कवर चल रहा है। ये ऑटो फोम भी इससे बहुत पीछे है। तो इसका रेंज कितने से शुरुआत होता है? इसका रेंज 8000 से स्टार्टिंग है। और कितना तक जाता है? ये 15000 तक जाता है। माने कार टू कार डिफर करता है या इसका भी वैरायटीज है? नहीं, कार टू कार प्लस वैरायटीज है, कुछ तो वैरायटीज में भी डिफरेंट है, कुछ कार बाई कार में डिफरेंट। मान लीजिए कि मैं 6000 का क्वालिटी लेता हूँ, उसका लॉन्जिबिलिटी कितना होगा? 6000 डॉल्फिन में स्टार्ट नहीं होता है, 8000 से स्टार्टिंग होता है। मैं 8000 का लेता हूँ, उसमें 8000 का जो लेते हैं उसका भी लॉन्जिविटी 15 इयर्स ही है, और आप 10,000 का लेते हैं उसका भी लॉन्जिविटी 15 इयर्स है। दोनों का फैब्रिक में डिफरेंट है। ओके, जो 10 इयर्स जो 10,000 का है उसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत बैठने में आराम है। ओके, ये जो आप 8,000 का लेते हैं उसका फैब्रिक थोड़ा सा ग्रेन है, जैसे माने कंफर्ट में डिफरेंस है। कंफर्ट में लॉन्जिविटी होगा सेम टू सेम, कंफर्ट में डिफरेंस डिफरेंट है। और 15,000 का, 14,000 का, 13,000 का लेंगे तो और भी ज्यादा कंफर्ट करेगा। सुपर। हम लोग बहुत सारे मॉडिफाई हेडलाइट, तो हर गाड़ी का मॉडिफाई हेडलाइट होता है, स्विफ्ट की हेडलाइट है। ओके, जो मैं चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं, आप देख सकते हो, माने रेडीमेड आता है। ये पूरा इंपोर्टेड आता है, ये जितने भी मारुति की गाड़ियां हैं, स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, आपका ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल, ये सारे में मॉडिफाई हेडलाइट विद प्रोजेक्टर, ये आप चेंज कर सकते हो। सुपर। जो गाड़ी में आपको DRL के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा। सुपर। ये सिर्फ क्या मारुति का ही आता है? सभी गाड़ियों की आता है, लेकिन ये मारुति का। ओके, मेरे पास ये सैंपल के हिसाब से, सैंपल के हिसाब से ये सारे गाड़ियों का मिल जाएगा मेरे पास। प्लस दूसरे हो गया इसके, आपको स्विफ्ट 18 की टेल लाइट, टेल लाइट इसको बोलता है, मर्सिडीज टाइप टेल लाइट। यस, ये जो यहाँ से इसमें इंडिकेटर येलो चलेगा विथ रनिंग मैट्रिक्स, प्लस आप देख सकते हैं पूरा स्मोक कलर है। Wow. ये आज के जनरेशन के जितने भी बंदे हैं, ये लोग बोलता है कि हमको करोल बाग जाना, दिल्ली जाना, नहीं, आप कलकत्ता में भी एक ऐसा काउंटर है जो आप आ सकते हो, जो दिल्ली से भी बेटर काम करता है। हाँ जी, इसका इंटीरियर आउटर, इसका तो गाड़ी का लुक से पूरा चेंज, पूरा लुक चेंज होगा। अगर आप गाड़ी का लवर है, गाड़ी के सोचते हैं कि मेरा कुछ गाड़ी अच्छा शौकीन है, तो आप दिल्ली मत देखिए, कलकत्ता में एक काउंटर है जो आप ऑटो प्रो आ सकते हैं, जो गाड़ी पूरा चेंज हो जाएगा और प्राइस भी बढ़िया होगा, प्राइस रीजनेबल। एक चीज बताइए, मेरा जो सब्सक्राइबर्स वीडियो देख के आएंगे उनको स्पेशल, उसके लिए स्पेशल आपको 5% डिस्काउंट फ्लैट फ्लैट। पहले आप बिल बना लो, उसके बाद बोलो सबूज दा भेजे, मेरे 5% डिस्काउंट, 5% स्ट्रेट है डिस्काउंट, और ऐसा ही रेट सबसे कम होगा। हाँ जी, दिखाना चाहूंगा। हाँ, मेरा जो गाड़ी का काम शुरू हो चुका है एम्बिएंट लाइटिंग का, तो दोस्तों अभी एलॉयस नहीं, अभी एलॉयस जैसा व्हील कैप दिखाएंगे, ये तो हर कोई धोखा खा जाएगा। हाँ जी, हाँ समझेगा, एलॉय ही है, एलॉय है, गाड़ी में लगने बाद एलॉय ही समझ में आता है। यस, व्हील कैप देखिए, एलॉयस जैसे व्हील कैप है, और एलॉयस भी आप रखते हो? हाँ जी, सारी गाड़ियों के एलॉयस रखते हैं। ओके, शार्क फिन एंटेना आ जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ, तरह तरह का डोर गार्ड है, डोर गार्ड है। एक गाड़ियों के रियर बम्पर पे जितने भी रिफ्लेक्टर होते हैं पीछे, डमी सारे की लाइट है ये, हर गाड़ी की, गरवारे लुमार की फिल्म मिल जाएंगे आपको मेरे दुकान पे, हर एक ब्रांड, कोई भी ऐसा ब्रांड। जो ये फिल्म में मैं पूछना चाहूंगा, दो टाइप का आता है राइट? हाँ जी, एक तो सामने का जो सामने का फ्रंट स्क्रीन का आता है, और एक रियर साइड वाले गिलास के लिए का आता है, सारे मिल जाएंगे। तो जो कोई सामने का लगाना चाहते हैं, तो कितना वैरायटीज का आता है? मेरे पास 3-4 वैरायटीज का मिल जाएगा, जैसे गरवारे का आता है, उसमें एक आता है फ्रंटी, एक आता है स्कूल शील्ड, आपका देख रहे हैं लुमार ब्रांड। रेंज कितना होता है? एक 2500 से स्टार्टिंग है, 2500 से लेके 8000 रुपए तक का। बाप रे, इतना प्राइसिंग भी होता है। और जो साइड फिल्म होता है, साइड फिल्म में क्या चालान आ जाएगा? नहीं, ये मोटर व्हीकल अप्रूव मिलेगा, जो 50% विजिबिलिटी होता है वो मोटर व्हीकल अप्रूव होता है, अप्रूव्ड होगा। हाँ जी, उसका प्राइस स्टार्टिंग होता है 2000 से, 2000 से स्टार्टिंग होता है। और आपकी गाड़ियों के जितने भी टायर पंक्चर मिल जाएंगे, वैक्यूम क्लीनर मिल जाएंगे, अरे गाड़ियों के डिफ्यूजर होते हैं जो किसी भी गाड़ी में लगाने से लुक बहुत ही काफी खूबसूरत हो जाता है। राइट, प्लस जैसे पोलो का GT ग्रिल है, पोलो का डिफ्यूजर है, AI20 का, हर एक गाड़ियों का इस तरह का मेरे पास मिल जाएगा आपको।
इस तरीके का अगर डर चाहिए स्पॉइलर बहुत सारे गाड़ियों में लगते हैं सेडान गाड़ियों में, तो ये आप लगाने से गाड़ी का खूबसूरती काफी बढ़ा सकते हैं, चेंज हो जाएगा पूरा। हाँ जी काफी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से छोटो गाड़ी के लिए भी आते हैं जो आप दिखा सकते हैं, इम्पोर्टेड आते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये लाइट के साथ है फिटिंग। हाँ जी आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड प्लेयर, फिर स्पीकर्स, सब कुछ एक एक करके दिखाना चाहूंगा मैं। तो इस साइड पे आने से आप देख सकते हो म्यूजिक सिस्टम का काफी वैरायटीज है, एंड्रॉइड प्लेयर काफी तरह तरह का है, 6-7 टाइप का एंड्रॉइड प्लेयर है। तो गुप्ता जी, हाँ जी बताइए थोड़ा। जिसे देख रहे हैं कि टाटा अभी क्रॉसलिंक लगा के दे रहा है, पहले ब्लू पंक देता था टाटा के साथ, अगर टाइप था पहले ब्लू पंक कंपनी का था जिसका प्राइस हाई रेंज था, लेकिन हम लोग काउंटर में आने से इसका ही प्राइस काफी कम में दूंगा 2 इयर्स वारंटी के साथ। ओके अगर क्रॉस लिंक लगाना है जो टाटा भी लगा के दे रही है, ये भी मेरा काउंटर में आइएगा तो टाटा कंपनी से केवल हाफ प्राइस में का सुपर टोटल जैक टू जैक नो वायर कटिंग। इसलिए जीवा का भी है, जीवा जीवा ब्रांड भी हम लोग कर रहे हैं कलकत्ता में, जो जीवा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। मेरा जो लास्ट गाड़ी था उसमें आपने जीवा लगाए थे, तो आप जीवा ब्रांड में भी लगा सकते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ भी है आपके, इसमें एप्पल कारप्ले के साथ भी है आपका, 4/32 लेना 4/32 भी है, हर एक रेंज मेरे पास मिल जाएगा आपको। जो तो जो एंड्रॉइड है, जो भी म्यूजिक सिस्टम है उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सारे ही आ जाएंगे, सब कुछ सारा आ जाएंगे। सो इसका प्राइस रेंज क्या होता है सर? जीवा का अगर लेते हैं तो इसको आपको हम 7,000 से स्टार्टिंग है मेरे पास, अब 25,000 तक। ग्लोबों का, ग्लोपंक का आपको मेरे पास 16,000 से स्टार्टिंग है, ओके आपको 32,000 तक। ये तो एकदम लेटेस्ट है ना? ये एकदम लेटेस्ट है, इसमें आपके कारप्ले के साथ है, 4/32 है, 2 इयर्स वारंटी। ओके वुडटेक का, वुडटेक ये आपका एक जीवा ब्रांड का ही एक वुडटेक है, ये जो ऑक्टा, हाँ जीवा का ही ये वुडटेक है जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है। ओके ड्रिवन का भी है, हाँ ये भी बहुत फास्ट है, मतलब ये लैग नहीं करेगा, खूब ही फास्ट है। यस जीवा का वही है स्पेशलिटी, हाँ जी उसमें एकदम लैग लैग नहीं करता, खूब ही फास्ट ब्रांड है और प्राइस भी रीजनेबल है। एक अभी एक चल रहा है एलएम टेक ब्रांड, ये भी बहुत बढ़िया कम प्राइस में काफी बेटर प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें 2/32 का, जो आपका बजट में माल मिल जाएगा 1 इयर्स वारंटी के साथ। ठीक है इसमें आपको सारा फीचर्स मिल जाते हैं, आपको नेविगेशन चाहिए, आपको रियर कैमरा चाहिए, ये सब अलग से लगाने कोई दरकार नहीं है, ब्लूटूथ है, सब फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है। देखिए अच्छा म्यूजिक सिस्टम तो लगा लूंगा, उसके साथ अच्छा स्पीकर भी अच्छा चाहिए। अच्छा स्पीकर लगाना तो आप आ जाइए, इसको बोलता हार्मन कंपनी, हार्मन में एक आता है इन्फिनिटी, एक होता है JBL, जो आपको दोनों एकदम बड़े भाई छोटे भाई है, प्राइस भी काफी रीजनेबल मेरे काउंटर पे, और आप उसमें एक बार, भी काफी तरह तरह काफी मॉडल है, काफी तरीके के हैं। ओके तो आप इसमें अगर मोटे कितने रेंज से शुरुआत होता है? देखिए JBL अगर स्टार्ट करते हैं 25 से स्टार्ट होता है, 2500 से, 2500 से लेकर 12,000-13,000 रुपए तक का। इन्फिनिटी में भी सेम आपको पकड़ के चलिए कि 3,500-4,000 से स्टार्ट होता है, 10,000-12,000 रुपए तक का। और बूफर के साथ भी आता है, बूफर के साथ भी आता है, ये देखिए बहुत सारे बूफर है, जैसे आप ब्लू पंक का पकड़ सकते हैं, मेगा सोनिक पकड़ सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं सोनिक का अंडर सीट है, इधर रॉकफोर्ड है, इधर JBL है, वाओ इधर हर एक वैरायटी है। रॉकफोर्ड का देखिए बहुत हाई एंड है, आप लगा सकते हैं, रॉकफोर्ड की ब्रांड है, JBL की ब्रांड है, वाओ सो मेनी ब्रांड्स। सो मैं बहुत सारा जगह देखा हूं एक या दो ब्रांड होता है, घर आने से क्या है भी एक पीस और दो पीस रखते हैं, वो ज्यादा कुछ होता है अपने, पूरा होलसेल प्राइस का काम करते हैं, होलसेल भी करते हैं अपना। देखिए मैं 6-7 दुकान घूमने के बाद आपके आप पास मेरे पास आए, तो समुद्र आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो बात है, वैरायटी, सो दैट मैं जब दिखाऊंगा वैरायटी में दिखा पाऊं। तो इधर एलॉयज भी है, हाँ जी एलॉय भी मिल जाएंगे सारी गाड़ियों, कुछ अभी पूजा में सेल हुआ है तो थोड़ा पे यहाँ पे डिस्प्ले कम गया है, पूजा के बाद बहुत सारे वैरायटी आने वाले हैं, जो सभी गाड़ियों का एलॉय आपको मिलता है मेरे पास काफी कम प्राइस पे। जो देख रहे हैं आपने लिखा हुआ नियोज, ब्रेजाई, जितने भी गाड़ियों के सामने की फोगलेट होते हैं उसके DRL है। ओके डे टाइम रनिंग लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट सभी गाड़ियों को मिल जाएगा मेरे पास, जैसे आप देख सकते हैं नेक्सॉन है, XUV 300 है, एपी जज है, क्रेटा है, बहुत सारे गाड़ियों है, स्विफ्ट है, मतलब जो टॉप मॉडल्स गाड़ियां नहीं होता है दोस्तों, नीचे वाला वेरिएंट पे डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं आता है, तो आप आसानी से फिट कर सकते हो, हर एक ब्रांड का आ जाएगा, इसमें भी काफी ब्रांड्स होता है, काफी तो जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से हो जाएगा।
गुप्ता जी इस साइड पे आ जाइए। तो साथ पे लाइटिंग हम लोग लाइटिंग जैसे आपका टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये आप गाड़ी बाहर लेके जाते हैं आपके टायर की हवा कम जाती है आपको, ये तो काफी इम्पोर्टेंट है KTMS। ये बहुत PPS, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप हाई एंड गाड़ी काम या जो भी मीडियम गाड़ी यूज करते हैं, गाड़ी ले लेके बाहर जाते हैं, गाड़ी का हवा कम जाने से क्या होता है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है, गाड़ी इधर उधर होता है। तो आप इसको लगाने से आपको पता चलेगा कि आप मेरा गाड़ी का हवा इसमें कम है तो आप हवा ले सकते हैं। और एक चीज है सर जो मैं लगाना चाहता हूँ फ्यूचर में, जो अभी एक क्रेज बन चुका है 360 डिग्री कैमरा। ये ऑलरेडी प्राइस काफी कम गया है, लेकिन कलकत्ता में क्या है इसका क्रेज काफी उतना नहीं है जितना दिल्ली पंजाब साइड में है इसका क्रेज। यहाँ पे लोग पैसा खर्च करने मांगता नहीं है, बोलता बस चल जा रहा है, नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। देखिए उधर इतना वीडियोस बनता है, इधर तो वीडियो भी कम बनते हैं, प्लस लोग सोचता है कि क्या है, समझ में नहीं आता। तो 360 डिग्री क्या होता है कि आप ड्राइविंग जब कर रहे हैं तो पूरा गाड़ी का व्यू आप देख रहे हैं चारों तरफ से, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीज आजकल चल रहा है, क्रेज में है। जो ये देखिए रिकॉर्डिंग कैमरा है, फ्रंट रियर रिकॉर्डिंग के लिए है, जो मैं लगाऊंगा, जो जीवा वगैरह में आता है एंड्रॉइड, उसके साथ भी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं डैशकैम ब्लू पंखा भी रखता हूँ, ब्लू पंखा सारे वैरायटीज ही रखता हूँ। जैसे आप एयर प्रो जब स्मोकिंग करना चाहते हैं तो क्या होता है कि आप जो स्मोक कर रहे हैं वो आपका उसका जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन है वो अपने ही अंदर ले रहे हैं, जिससे क्या होता है कि तबीयत खराब होने का डर रहता है। अगर स्मोकिंग का शौक रखते हैं तो आप एक गाड़ी में ये जरूर रखिए, इससे क्या होगा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ खराब नहीं होगा। प्लस आप डैशकैम मेरे पास आपको कूबो ब्रांड का ही मिल जाएगा सारे मॉडल, ये भी काफी ये भी बहुत चल रहा है, इंडियन ब्रांड है, लाइव देख सकते हैं, इसमें इंटरनेट का सुविधा इसमें है, आप मोबाइल पे चेक कर सभी में एक साल का वारंटी आ जाता है, ठीक है। प्लस आपको गाड़ी का ट्रैक करना है, आपकी गाड़ी ड्राइवर लेके जा रहा है, कहाँ गाड़ी आपका है नहीं है, तो जीपीएस ट्रैकिंग आप घर बैठे अपना गाड़ी को आप देख सकते हैं कि मेरा गाड़ी कहाँ पे है। इस तरह का बहुत सारे सजेशन, बहुत वैरायटीज मेरे पास आपको देखने को मिलेगा, जो सभी काउंटर पे ये चीज होता नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं बहुत सारे मेरे पास शेडो लाइट वगैरह है, बहुत सारे। सर गुप्ता जी लाइट्स पे आएंगे, लाइट्स तो आपके पास काफी वैरायटीज है, मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए इतना सारा वैरायटीज है। जैसे एलईडी में आपको अगर लगाना है तो एलईडी में तरह तरह के एलईडी कंफ्यूज हो जाता है, एलईडी में मॉडल होते हैं पहले नंबर तो आपको ब्रांड देखना, मॉडल से आपको मतलब नहीं है, आपकी गाड़ी में क्या मॉडल लगेगा वो दुकानदार को पता है लगा देगा। आपको ब्रांड चूज करना है कि कौन सी ब्रांड में जाना, जैसे आपका है मैक्सलिंग कंपनी आज की डेट में सबसे टॉप ब्रांड, ब्लू पंक सबसे टॉप ब्रांड एलईडी में जा रहा है, जो 2 ईयर्स वारंटी विथ रिप्लेसमेंट देता है 7 to 7। वो ये नहीं कि आप रख के जाइए ये कीजिए वो कीजिए, 7 to 7 रिप्लेसमेंट मिलेगा, प्लस लाइट लेकर कोई भी इशू नहीं हुआ इसमें, काफी अच्छा लाइट है इसका, माने हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट। इस तरह का आप कोई भी एलईडी लगा सकते हैं, माने जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्टर के साथ एलईडी मिल जाएगा। हाँ जी कुछ भी रिक्वायरमेंट, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी मिल जाएगा आपका इसमें। प्लस आपको एचआईडी में आना है, जिससे एलईडी के पहले एचआईडी चलता था, आजकल एचआईडी का ही बहुत क्रेज है, जो क्या इसका रेंज थ्रो बहुत ज्यादा होता है। तो किसी को हाईवे में सफर करते हैं आपको थ्रो वाला चीज लाइट चाहिए, आप मेरे पास आ जाइए, बहुत सारा रेंज है आपको दिखा दूंगा। प्लस अंडर बॉडी चेचिस बॉडी लाइट आता है, जिसमें बहुत तरह के ब्रेक लाइट है, अंडर बॉडी चेचिस लाइट है, ये मेरे पास रेंज बहुत मिल जाएगा। ग्रिल के सामने आजकल ये लाइट चल रहा है, येलो लाइट है। उस थार गाड़ी में हैमर लाइट चलता है, ये हैमर लाइट मिल जाएंगे। इस तरह का बहुत सारे लाइट है, ये थार का हिंज मिल जाएंगे, जो आप चढ़ के साइड से आप खड़ा होकर वीडियो वगैरह बना सकते हैं। ये सब चीज आजकल बहुत चल रहे हैं। थार का मॉडिफाई करना है, सामने का ग्रिल चाहिए, ये सब चीज चाहिए, थार का पूरा मॉडिफाई का चीज मिल जाएगा। फोर स्टेप होता है, हाँ जी, पूरा रेंज मेरे पास गाड़ी एसेसरीज का, एनी कार A to Z रेंज मिलेगा, जो रेंज मेरे पास मिल जाएगा। सुपर कलकत्ता का बहुत सारे काउंटर पे नहीं मिलेगा देखने को। 80-90% कवर कर चुके हैं, और भी काफी ज्यादा एक्सेसरीज है। ऑटो प्रो पे मिल जाएगा, एक बार आके आप मिलिए, देखिए, प्राइस लीजिए और क्वालिटी देखिए, आपको समझ में आएगा कलकत्ता में इसके सिवा कोई दूसरा काउंटर मिलेगा नहीं आपको। मैं आया हूँ तो क्वालिटी लेके कोई तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, शक नहीं होना चाहिए दोस्तों। सो लास्ट में क्या बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? लास्ट में आप जो भी कस्टमर आए सबूतदार के तरफ से, आप पहले फिटिंग करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, बाद में बोलिए कि मैं सबूतदार के थ्रू आया हूँ, और नेट 5% डिस्काउंट मिलेगा। और वंस डन आप मेरा ये वीडियो पे जाइए, कमेंट्स पे लिखिए, आपका फीडबैक दीजिए। दादा आप मेरा दुकान में आप फर्स्ट टाइम आए हैं एम्बिएंस लाइट लगवाने के लिए,
मैं जो आपको एमबीएस लाइट दे रहा हूँ एक कोजो जेड प्लस सीरीज है, ये जो मैं दे रहा हूँ प्राइस में, और चैलेंजर 7000 वन ईयर्स वारंटी विथ रिप्लेसमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम होगा पूरा चेंज हो जाएगा आपका। जैसे भैया ये आप ही का गाड़ी है, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं आप इसमें एम्बिएंस लाइट लगाएंगे, तो अभी तो लगा हुआ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या फिटिंग होगा, उसके बाद फिटिंग होने के बाद कैसा लगेगा। और एम्बिएंस लाइट के अलावा और दो चीजें इसमें ऐड हो गए, जैसे हो गया इसमें स्कफ लेड हो गया इल्यूमिनेटेड वाला, वो भी मैं फिटिंग होने के बाद आपको दिखा दूंगा। और एक चीज होता है इसमें क्रोम बीडिंग लगता है, वो है जो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हैंडल जो है क्रोम फिनिश में है, ये जो बीड होगा ये भी क्रोम फिनिश में होगा, वो भी फिटिंग होने के बाद कैसे लगेगा मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एम्बिएंट लाइट कहाँ कहाँ फिटिंग होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्बिएंट लाइट जो इसमें फिटिंग होगा वो आपका आएगा यहाँ जो डोर का पैनल है इसमें फिटिंग होगा, या फिर आप अगर देख सकते हैं इसमें और एक ऑप्शन है, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुप बना हुआ वहाँ पे देते हैं, यहाँ पे सूटेबल होगा वहाँ पे फिटिंग होगा, जो अच्छा लगे दिखने में, जो खिले अच्छा। इसके अलावा डैशबोर्ड में लगेगा, डैशबोर्ड में पूरा लाइनिंग आएगा यहाँ तक पूरा कंप्लीट, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कंप्लीट आएगा। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि फ्लोर पे भी आएगा, जैसे भैया का जो गाड़ी है थोड़ी देर पहले जो आप देखेंगे कि 10 पीसेस का है जो एम्बिएंट लाइटिंग है, वो फ्लोर पे भी आएगा, जैसे सामने दो हो गया और पीछे सीट के पीछे जो है यहाँ पे भी दो पीस लगेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि जो एम्बिएंट है एक्चुअल एम्बिएंट लाइट का जो फीलिंग्स है वो अच्छी तरीके से आ सके। और ये फुल्ली आएगा आपका मैट्रिक्स में, जो कलर्स हैं वो मैट्रिक्स डिजाइन में आएगा, और इसमें आप फिक्स भी कर सकते हैं कलर, वो पूरा का पूरा चीज जो है वो ऑपरेट होगा आपका मोबाइल से, मोबाइल का जो ऐप है उसमें से आप चाहे जैसे भी करके, मेरे ख्याल से वॉइस कमांड भी होगा। हाँ, इसमें वॉइस कमांड भी है। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरा गाड़ी छोड़ के भी और भी तीन तीन गाड़ी है लाइनअप पे सत्यजीत, और भी तीन तीन गाड़ी है राइट, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन सा गाड़ी पे क्या काम है। पहले शुरू करते हैं टियागो से। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी स्टेयरिंग कवर फिटिंग हो रहा है। हालांकि इसका जो ब्लैक और रेड के साथ सीट कवर है तो उसी हिसाब से मैचिंग करके ये ब्लैक और रेड के स्टिच के साथ ये स्टेयरिंग कवर फिटेड हो रहा है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कुछ चीज लगा है और भी बहुत कुछ लगने वाला है, जैसे इसमें आपका ऐड होगा जैसे रेन वाइजर हो गया, इसका क्रोम बीडिंग हो गया, लोअर गार्निश जिसको हम बोलते हैं। इससे पहले इसमें फिटिंग हुआ है, जैसे अंदर में आप देखेंगे कि एंड्रॉइड फिटिंग हुआ है इसमें। ये पहले हो चुका है, पहले हो चुका है एंड्रॉइड फिटिंग हो चुका है इससे पहले। ये कौन सा कंपनी का है? ये आपका है मेगासोनिक का। मेगासोनिक का। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल होते हैं बेसिक्स चीजें, अंदर आप देखेंगे कि लैमिनेशन मैटिंग लगा हुआ है। लैमिनेशन मैटिंग फिटिंग हुआ है, फुट मैट फिटिंग हुआ है अलग से, ये 5 पीसेस वाला है। और उसके अलावा अगर हम इसमें आएंगे पंच में, आज ही डिलीवरी हुआ है और आज ही इसका काम होने वाला है। आप अगर देखेंगे कि जैसे होता है हम लोग पंच में पहले देखे हैं कि इसमें डिफ्यूजर्स लगेंगे सामने पीछे। इसके अलावा हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो इसमें योलो आता है, तो ये चेंज होकर एलईडी फिटिंग होगा। इसका डीआरएल जो आता है ये भी चेंज होगा, ये चेंज होकर इसमें व्हाइट लाइट लगेगा। आप अभी देख सकते हैं ऊपर में ड्यूअल टोन का काम चल रहा है, जैसे होता है एग्जैक्टली जो हो रहा है ये रैपिंग हो रहा है ड्यूअल टोन में, ब्लैक में, ब्लैक फिनिश में ड्यूअल टोन होता है आपका यहाँ तक आता है। इसके अलावा इसमें फ्रंट में जो फिल्म आता है गारवायरे का, जो आई स्कूल सील जो टॉप फिटिंग का फिल्म है वो लगेगा। साइड वाला फिल्म ऑलरेडी लग चुका है, आप इसमें देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है फिल्म का, फिल्म का जो क्वालिटी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये गारवायरे का लगा हुआ है। अंदर में ऑलरेडी इसका जो है आप देख सकते हैं कि लैमिनेशन फिटिंग अभी हुआ है। टियागो की तरह इसमें भी स्टेयरिंग कवर लगेगा, वो भी ब्लैक और रेड स्टिच में ही लगेगा। इसका सीट्स भी हो रहा है ना? जी बिल्कुल, इसका सीट कवर भी हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको भी। जैसे और इसमें कुछ चीजें ऐड होंगे, जैसे इसमें रेन वाइजर लगेगा। इसमें रेन वाइजर भी लगेगा, इसमें जो क्रोम लाइनिंग साइड बिट जो लोअर गार्निश है वो भी लगेगा। साइड बिटिंग जो क्रोम आता है ओरिजिनल वाला वो इसमें फिटिंग होगा। स्कफ प्लेट्स ऑलरेडी लग चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें स्कफ प्लेट लगा हुआ इल्यूमिनेटेड वाला। इसका कनेक्शन अभी तक दिया नहीं है, जब कनेक्शन होगा तो ये भी चलने लगे शुरू हो जाएगा। अगर आप इस पीछे की तरफ आएंगे तो जैसे आपको बताएं कि इसमें डिफ्यूजर सामने पीछे लगने वाला, इसका पीछे भी डिफ्यूजर लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे आपको पहले बताएं कि सीट कवर्स लग रहा है, आप यहाँ पे देखिए ब्लैक और रेड के साथ यहाँ पे आप सीट कवर जब से दिखा दिया आपको, ये आप देख सकते हैं इसमें ओरिजिनल जो आर्मरेस्ट आता है ये इसमें फिटिंग होगा, यहाँ पे लगा हुआ है नेक्सॉन का, नेक्सॉन पूरा गाड़ी वाइज ही आता है जो आर्मरेस्ट, वो इसमें फिटिंग होगा। काफी सारा काम हो रहा है इसमें, और भी बहुत कुछ है, जैसे अंदर हो गया आपका एम्बिएंट लाइटिंग हो गया वो फिटिंग होगा। और अगर पीछे आएंगे जैसे वरना है, ये हम लोगों का पहले काम हो चुका है,
फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या फिटिंग हुआ है। इसका कुछ इश्यूज थे तो उसको रिसॉल्व करने आए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एलईडी लगा हुआ है हेडलाइट में और फॉग लाइट में दोनों तरफ। सामने में इनका फिल्म लगा हुआ है गारवारे का, जो एंटी ग्लेयर फिल्म आता है वो लगा हुआ है। साइड में भी फिल्म लगा हुआ है गारवारे का। जैसे आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा आपका क्रोम फिनिश में विंडो गार्निश लगा हुआ है, हैंडल शो लगा हुआ है। अभी देख सकते हैं कि जैसे अंदर में आप आएंगे तो इनका भी एम्बिएंट लाइटिंग फिटिंग ऑलरेडी हो चुका है पहले हम लोगों का। ये सब काम भी हो चुका है उनका। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि सीट कवर भी फिटिंग हुआ है। ठीक है, उसके पहले हो चुका है, पहले ये सब पहले काम हो चुका है, पुराना कस्टमर है। और ये आप 70 मैट देख सकते हैं। ये स्कफ प्लेट जो है वो अभी लगा है। आप चेक कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने पंच में लगाया वैसे ही सेम इसमें भी लगा है। एंड्रॉइड इनका फिटिंग हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये पहले हो चुका है, ये पहले फिटिंग किया हुआ है एंड्रॉइड। उसके साथ रिवर्स कैमरा भी ऐड किया हुआ है। अब पीछे की तरफ आएंगे, इनका साउंड सिस्टम जो है वो एक ऊपर के साथ कनेक्टेड है। हम लोग लगा चुके हैं ब्लॉकॉम का। अब देखते देखते ये सकते मैंने आपको पहले जैसे बताया, पुराना कस्टमर है, हम लोगों का बहुत सारा काम इससे पहले हो चुका है। और वरना में इसके अलावा और एक चीज लगेगा, ये आपको कहीं नहीं, बहुत कम मिलता है। ये जो रिफ्लेक्टर है ये फॉल्स है, डमी है। इसमें जो मैट्रिक्स वाला आता है, जो साइड लाइट ब्रेक लाइट और इंडिकेटर के साथ काम करता है, वो फिटिंग होगा। जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि इसमें ड्यूल टोन होने वाला, आप देख सकते हैं इसमें रैपिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये पूरा का पूरा हाफ बॉडी तक आएगा। जैसे आपका ए पिलर हो गया, बी पिलर हो गया, सी पिलर हो गया, उसके साथ इसमें एक तो स्पॉइलर भी ऐड होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले मिस कर चुका हूँ। स्पॉइलर रखा हुआ है, कुछ देर बाद इसमें ऐड होगा, वो भी ब्लैक कलर का ही लगेगा। उससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो पूरा ब्लैक का हो जाएगा, तो इसमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ और एक चीज ऐड होगा, इसके ऊपर जो पंच का रूफ रेल आता है ओरिजिनल वाला, वो लगेगा। वो ये खत्म हो जाने के बाद, ये काम हो जाने के बाद वो फिटिंग होगा फिर। सो डैश कैम, डुअल डैश कैम आपका गाड़ी में दादा, आज हम लोग डैश कैम भी लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 MI का डैश कैम है। इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसका पैकेजिंग है, आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाता है ये आपका जो है पावर केबल, और उसके अलावा इसमें आपको आता है ये और दूसरा पावर केबल, दोनों है, एक फ्रंट कैमरा और एक तो रियर कैमरा के लिए। इसका जो कैमरा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ये आपका फ्रंट कैमरा है, ये आपका जो विंडशील्ड ग्लास है उसमें लगेगा, और ये आपका हो गया रियर कैमरा। ये आता है आपका 2K क्वालिटी में, और ये आता है आपका फुल HD में। ये आपका जो डैश कैम है, इसमें आपका गाड़ी में दादा अभी फिटिंग होगा, उसके बाद क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं हम लोग। सो फिटिंग होने के बाद हम जी बिल्कुल, फिटिंग होने के बाद भी और एक बार हम लोग इसको चेक करवा लेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, यस द एम्बिएंट लाइटिंग इज ऑन, तो फाइनली ऑन हो चुका है, राइट? जी बिल्कुल। आपको जैसे दिन में जैसे बताए थे पहले कि वो लगने के बाद कैसे लगेगा, हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे। अभी आप चेक कर सकते हैं, ये जो सीरीज है मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मैट्रिक्स भी होता है और फिक्स सिंगल कलर भी आता है। 10 पीस का आपको जैसे हम लोगों ने बताया था एज इट इज। अब देख सकते हैं कि इसमें चारों डोर पैड्स, ये आपका हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में दो पीस में लगता है, एक आता है यहाँ तक और एक पीस आता है यहाँ तक। और आप चेक कर सकते हैं कि नीचे भी फ्लोर्स पे भी लगे हैं। सामने देख रहे हैं कि डैशबोर्ड के नीचे दो पीसेस हैं, और सीट के पीछे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रियर पोजीशन में, यहाँ दो सीट के नीचे भी पोजीशंस लगा हुआ है। ओवरऑल जो एम्बिएंट लाइटिंग है आपका दादा, वो फिटिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी दे रहा है और कितना अच्छा जो भी है। सो दोस्तों, हमारा डैश कैम भी लग चुका है, एक आगे एक पीछे, जिसका पोजीशन देख सकते हैं। जो डैश कैम लगा है 70 MI का, जैसे पहले दिखाए थे, ये हो गया आपका डिवाइस, ये हो गया आपका फ्रंट कैमरा। इस यहाँ से आपका मेमोरी कार्ड, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्लीज इंसर्ट मेमोरी कार्ड, इंसर्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन अभी नहीं है। लेकिन जब भी हम इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे तो इसका रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो आपका इसमें ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और इसके साथ देख सकते हैं इसमें दो पॉइंट्स हैं, ये आपका फ्रंट कैमरा का, यहाँ पे फ्रंट में है व्यू, और पीछे छोटा स्क्रीन है। और इसका पीछे जो रियर कैमरा लगा है वो आपका इसमें रियर में लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि पीछे इसमें ग्लास में, हाँ देखो, इस अंदर इसीलिए फिटिंग करते हैं हम लोग, ताकि ये सेफ रहे, राइट, और पूरा का पूरा व्यू आ सके, ताकि एग्जैक्टली जो फुटेज है वो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो सके, राइट।